हेलो एवरीवन सो आज इस सेशन में हम देखेंगे हाउ वी कैन डी बग एंड यूजिंग एंड एंड डी बी सो बेसिकली बिफोर जंपिंग इन हाउ वी कैन डी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डी सो बेसिकली डी इज नथिंग इज जस्ट ए सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और या एप्लीकेशन में bugs ko find karte hai, right. so basically there is a comprehensive procedure to identify the reason why the particular bug occurred into the particular section of the program. and why we are doing that to make sure so that the program and the application run smoothly in the future. right. for the users. so with the help of the debugging only we can make sure the particular section is addressed properly and the Every bug is eliminated and it is working as expected, right? So that is the debugging. So, in the Android pen testing course, we are uh, there are many basically Android debugging tool that we can use, but in this course, we are going to be using only the two which one is the AND bug and the JDB. And here in the list, you can see I had mentioned the three which is the AND bug, JDB, and the spy right? so आज सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड बग टूल क्या है सो एंड बग जो है इट्स यूज टू एनालाइज हाउ द पर्टिकुलर एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज और इट वर्कस एंड जो एंड An बर्ग है इट्स अ रिवर्स इंजीनियर डीबर्गर है फॉर द एंड्रॉयड डेल्विक वर्चुअल मशीन दैट इज एम्प्लॉइंग विद द जे डी बी jdwp to interact with the android application without the need of the source code so in this session we will understand how with the help of the uh, adb how the application work how many classes methods and which are the function is used by the application and we can see the developer in the particular application so we will understand that with the help of the bug. एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ द एंड वर्क राइट सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं तो इस टूल की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है पाइथन सो so, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए दूसरी चीज़ यहाँ पे लिंक दिया है गिटअप का आपको ये गिठअप लिंक पर जाना है आप इजीली गिठअब एंड वर्क लिखेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगा एंड देन आपकी जैसे वो डाउनलोड हो जाएगा तो एक सिप फाइल मिलेगी विच इज विच विद द नेम ऑफ द एनबर्ग मास्टर आपको उसको सी डी मास्टर से उसको ओपन uh, करना है उस डायरेक्टरी में जाना है एल एस करना है वहां पर आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी सो सेम कमांड से आपको उसको इंस्टॉल करना है उसके बाद आप एनबर्ग लिखेंगे आपका एनबर्ग इंस्टॉल हो जाएगा राइट सो आई शो यू हाउ वी कैन डू दैट सो गूगल में आपको सर्च करना है गिटअप एंड बग सो ये पहला जो लिंक है ये ही आपको डाउनलोड कर लेना है सो so, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड एज ए जिप सो so, जैसे ही आपको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको uh, इसी तरीके का एक फोल्डर मिल जाएगा ठीक है सो so, आप यहां पे सी डी एंड लिखेंगे एल एस करेंगे एंड यहां पे आप लिखेंगे पाइथॉन सेटअप डॉट पी वाई एंड इंस्टॉल राइट सो इस तरीके से ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा नाउ जो दूसरी चीज है वो है एंड को यूज करने के लिए मैंने ये जो एंड फाइल है इसको मैंने मूव कर दिया था मैंने सी पी कर दिया एंड को यूजर स्लैश बिन में सो so दैट मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाऊँ ठीक है तो एक चीज जो मैंने यहाँ पे की है वो ये है ओके सो नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें करना है इस एप्लीकेशन के लिए सॉरी uh, इस टूल के लिए जो हम यूज़ uh, करने वाले हैं विच इज़ द इनसिक्योर बैंक टू जो एप्लीकेशन है ये यूज़ में करेंगे सो so, ये आपको गिटअप से मिल जाएगी इस तरीके से uh, आप डाउनलोड कर लीजिए ठीक है सो so, आपका एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा एंड एडीबी इंस्टॉल के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नाउ सेकेंड थिंग ये एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन है सो so हमें इसको पैरट uh, के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इसी एप्लीकेशन के फोल्डर में आपको एक एंड्रो सर्वर करके एक डायरेक्टरी मिलेगी अभी इस इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है सो so, कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पायरथन टू एंड एप डॉट पी वाई तो ये आपका सर्वर जो है ये एज ए सर्वर एक्ट करेगा एंड इट इज रनिंग ऑन द पोर्ट नंबर डबल एट डबल एट नाउ वी हैव टू बी रिक्वायर द आई पी एड्रेस ऑफ दिस बिकॉज यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस के अंदर ये आई पी एड्रेस एड करना है सो यू हैव टू ऐड द आई पी एड्रेस जीरो डोर वन सेवेंटी फोर एंड सबमिट एंड यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स डालनी है ठीक है ये गिटहब के पेज में करेंचल्स दी हुई है वहां से ही ही मैं डाल रही हूँ ठीक है ना ये तो हो गया आपका ये टूल अभी नेक्स्ट चीज क्या है आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी इस टूल को हम एंडबग के साथ कैसे यूज करेंगे सो so, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर जो इनसिक्योर बैंक वर्जन टू है इसका प्रोसेस आईडी क्या है so, तो टूल के इंस्टॉल होने के बाद आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इसका प्रोसेस आईडी फाइंड करना ठीक है सो प्रोसेस आईडी फाइंड करने के लिए आई शो यू वन कमांड सो ये हमारा हो गया नाउ देर आर सम कमांड्स वी कैन यूज फॉर द एंड वर्क सो वेरी फर्स्ट थिंग आई डोल्ट यू लेक वी है प्रोसेस आई डी विद कमान पी पी आई डी इस कमान से आप एंड बर्ग के साथ कम्युनिक कम्युनिकेट कर सकते हैं बट अगेन वी रिक्वायर द प्रोसेस आई डी सो प्रोसेस आई डी फाइन करने के लिए ये कमांड विच इज ए डी बी शेल पी एस ग्रैप हाई फोन आई एंड द एप नेम एंड उसके बाद आप ये कमांड लगाएंगे और आप हो जाएंगे एंड बर्ग के साथ कनेक्ट एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाएगी ठीक है उसके बाद हम इस एंड टूल के थ्रू फाइंड कर, कर सकते हैं क्लासेस देन क्लासेस एंड पैकेज नेम डाल के स्पेसिफिक पैकेज की क्लासेस फाइंड कर सकते हैं देन पर्टिकुलर क्लास कि जो नेम आएंगे उनसे मेथड्स फाइंड कर सकते हैं देन उनको ट्रेस कर सकते हैं और वी बट वी कैन सी वी कैन हुक दैट राइट सो लेट्स डू दैट सो नाउ यहां पे हमें सबसे पहले फाइंड करना है प्रोसेस आईडी ठीक है सो उसके लिए जैसे कि कमांड मैंने बताया यहां पे आपको डालना है आई एंड इनसिक्योर लिख देंगे हम एंड ये बताएगा हमें उसका

जो है प्रोसेस आई डी विचेज फोर जीरो एट वन तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फोर जीरो एंड एट वन एंड एंटर सो जैसे ही आपको ये टू एरो मिल गए हैं उसका मतलब क्या है कि हमारा जो एन बग है वो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो गया है पर्टिकुलर प्रोसेस आई डी पे अभी हम यहाँ पे लिखेंगे क्लासेस ठीक है अभी क्लासेस लिखने के बाद आपको ये पता चल गया कि कौन सी क्लासेस यूज हुई हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बट एक एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे जो आपको इतनी सारी क्लासेस मिल रही हैं ये दो तरीके की यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही हैं एक आपको मिल रही है सिस्टम क्लासेस और दूसरी जो जो क्लासेस है वो है जिस जो डेवलपर ने डिफाइन की है इस एप्लीकेशन में लेकिन ये चीज अंडरस्टैंड करने की हमें सिस्टम क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए या देखने के लिए हमें ये देखना है कि डेवलपर ने कौन सी क्लासेस यूज की है सो so डेवलपर ने कौन सी क्लासेस यूज़ की हैं ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्पेसिफिक जो पैकेज नेम है वो मेंशन करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या यूज़ की है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो पैकेज नेम है विद पहले लिखेंगे क्लासेस एंड देन हम ये एंटर कर देंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक क्लासेस डेवलपर ने कौन सी यूज़ की हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ क्लासेस uh, है जो डेवलपर ने यूज की हैं विच इज़ ए लॉग इन एक्टिविटी फाइल एक्टिविटी लॉग इन एक्टिविटी है अगेन ये वन टू थ्री है चार लॉग इन एक्टिविटी है ट्रैक यूजर कंटेंट प्रोवाइडर फाइल एक्टिविटी एंड द ट्रैक यूजर कंटेंट प्रोवाइडर सो लेट्स अज्यूम आपको ये स्पेसिफिक क्लास के मेथड्स चेक करने अभी ये तो uh, हमारे क्लासेस हैं अभी सपोज हमें यहां पे मेथड्स चेक करने हैं सो so अभी हम क्या करेंगे इसे कॉपी करेंगे एंड देन वी हैव टू इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेथड्स यूज किए हैं विच इज ए लॉग इन एक्टिविटी इन इट कॉल प्रेफरेंस क्रिएट यूज ऑफ फील्ड डेटा एंड ऑन क्रिएट ऑप्शन ऑन क्रिएट आइटम्स एंड लॉग इन नाउ जस्ट सपोज आपको ये पफर्म लॉग इन जो है इसके रिलेटेड आपको चेक करना है function. तो हम क्या करेंगे इसको copy करेंगे and यहाँ पे हमें लिखना है method हाइफन ट्रेस राइट हम इसको कर देंगे पेस्ट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसिंग hook

ये यह यहाँ पे ट्रेस कर रहा है मेन थ्रेड को एंड ये एप्लीकेशन यहाँ पे सस्पेंडेड है राइट सो बट इस एंड का एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे कोई भी ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर सकते हैं सो टू सेट द ब्रेक पॉइंट इन इन द एप्लीकेशन उसके लिए हम हमें यूज करना पड़ेगा अनदर टूल सो वो अनदर टूल क्या यूज uh, मिलेंगे दैट इज द जे डी नाउ अगर हम जे डी बी की बात करें तो जे डी बी इज ए जावा डीपकर सो ये एक ऐसा टूल है दैट इज फॉर द जावा क्लासेज टू डि द एप्लीकेशन इन कमांड लाइन जिसके थ्रू ये जावा प्लेटफॉर्म डिबर आर्किटेक्चर को यूज करता है दैट हेल्प अस टू डिटेक्ट एंड अगेन द फिक्स दैट अकर्ड इन टू द पर्टिकुलर प्रोग्राम यूजिंग द जावा डीबिंग इंटरफेस जो कि इसके थ्री कंपोनेंट्स में से एक है फर्स्ट है इसका जावा वर्चुअल मशीन टूल इंटरफेस जावा डीबिंग वायरिंग पूल्स जे डी डब्ल्यू पी एंड द जे डी आई सो ये तीन कंपोनेंट यहां पे यूज में होते हैं एंड बेसिकली जे डब्ल्यू पी इज द इंटरफेस बिटवीन द जेवीएम एंड द जे डी आई राइट ओके सो जो जेडीबी है वो बाई डिफॉल्ट हमारे जेडी की के साथ ही इंस्टॉल आता है ठीक है सो इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा पोर्ट फॉरवर्डिंग बट अगेन हमें यहाँ पे फाइंड करना है हमारा पोर्ट प्रोसेस आईडी, सो प्रोसेस आईडी कैसे फाइंड करेंगे अगेन वी सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू बी यूज दिस एप्लीकेशन In that, we will use the access control issue part 3. And we have to find the process ID. So, process ID find connect click kya command ps and grep i. And here we will write the app name. So, basically, the process ID is a 4224. Now, we will open the next tab. And the next thing we have to do. Is port forwarding so port forwarding kill hai ATB forward TCP and double three double three right and here JW J D W P right and the 4224 to connect right so port forwarding is done and now we have to be attached with the jdb hyphen attach and local host double three, double three. Okay. So now our application is connected with our JDB. Now the same commands that we run into the and the same you can use here. Right, so I will type enter so, here we have to find our class. Okay, so there is a no shortcut to find. So, as in Anbuck, we can do the filter, but here we have to be find with scrolling only. We're looking zacker dot. Yes. So basically these are the uh, classes here, Dot diva access control activity, notes activity, main activity notes provider and the notes provider. So I am going to be use in this case the notes provider. So for that we have to write here. Method to get the s functions that we get into the uh, the previous tool in the and bug So we have to be look into the fun various methods. So here is the list: notes provider, see client, client init, delete is given, get type, insert, own create, create query, and even though the update. So I'm going to be use this one. For the breakpoint, so let's copy it. And to set the breakpoint, we have to use th this way, right? Dot query. So, meanwhile, I will set the pin here, right? So, here I will enter to set the breakpoint and let's suppose when this particular method is called and there is a breakpoint is set which is on zarker.asim diva nodes provider.query and when we wants to be analyze this now see so the breakpoint hit thread means nodes provide query line 140 bci1 right so suppose i wants to be access i wants to be analyze this particular method so i will write here locals to understand what are the variables and

ठीक है सो so, ये एक चीज थी कि यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ ये सब एंड वर्क के साथ हम नहीं कर सकते थे ये सिर्फ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द जे डी बी सो यहाँ पे हमें सिंपल लिखना था सेट यू आर आई इक्वल्स टू एंड टू पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमें सेट करनी थी तो वो हम सेट कर सकते थे राइट right? बट इस केस में अभी मैं रिज्यूम करी नाउ यू कैन सी द एप्लीकेशन प्रीवियसली पॉज थी बट अभी ये जैसे मैंने रिज्यूम लिखा आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिज्यूम हो गई सो so, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द जे आप एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकते हैं वट आर द वेरियस मैथड्स एंड हाउ इट वर्क इन द बैकएंड, राइट सो दिस वॉज हाउ वी कैन डी बगिंग द एप्लीकेशन विद द अनबर्ग एंड जे डी सो दैट्स इट अबाउट दिस से